भाई बुलावा आ गया है आरी सर्विस सेंटर से। यार नई नई बाइक के साथ कोई इशू आ जाए ना तो बहुत बुरा लगता है। आई वॉज रिग्रेटिंग कि भाई मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी ये बाइक लेकर। स्पेशल आरी से आए हैं इस बाइक को चेक करने के लिए। एक्चुअली जो उसका एडजस्टर होता है बाइक का वो साइज का छोटा है, मतलब सारी बाइकों में। मेरी बाइक को अभी आरी की जो प्लांट टीम होती है उससे चेक करवाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली यार गुड न्यूज़ ये है कि भाई बुलावा आ गया है आरी सर्विस सेंटर से, राइट। एंड जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बताया तो भाई इस बाइक के साथ सब सारी आरी के साथ एक दिक्कत है, मतलब सारी आरी सुपर मीटर के साथ एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? और दोस्तों वो दिक्कत क्या है कि यहाँ पर पीछे एडजस्टमेंट के लिए जगह होती है, तो जो आरी सुपर मीटर में या तो जगह बहुत ही कम है या जगह ही नहीं है। मेरी बाइक में बहुत ही कम जगह आती है, एडजस्ट करी दो बार एंड बस। एंड दोस्तों अगर इसको आपको और टाइट करवाना है चैन को तो यार पीछे तो कोई जगह ही नहीं है, तो चेन सॉकेट चेंज होगा, ऐसा एक शोरूम वाले ने कहा था, आरी वाले ने। तो मैंने इसको सर्विस सेंटर में रेस करा था, एक अच्छे सर्विस सेंटर में, तो वहाँ पर जो भी अपडेट था पीछे वाले वीडियोस में आप देख सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर, वहाँ पर से मुझे फोन आ गया, कल आया था एक्चुअली। तो दोस्तों चलते हैं सर्विस सेंटर एंड फिर जो भी होता है देते हैं आपको अपडेट। तो दोस्तों हम निकलते हैं सर्विस सेंटर, राइट। एंड जैसे कि मैंने बताया यार 5-7 दिन हो गए थे एंड कोई अपडेट नहीं आया था, तो मैंने सोचा यार आगे से मैं ही पूछ लूँ। तो जैसे ही मैंने व्हाट्सअप करा तो आगे मैनेजर जो है मोहित सर बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ पे आपको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व करेंगे। तो उनका मैसेज आया था कि हाँ अपडेट है, आपको 2 दिन बाइक छोड़नी पड़ेगी सर्विस सेंटर में। मैंने बहुत जगह सर्विस करवाई है बाइक की, मेरी मिट्टी और 350 में इशू आते ही रहते थे, तो मैंने काफ़ी सारे सर्विस सेंटर विजिट करे बट लिटरली एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा। इनके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, इसलिए यार मैं 1 घंटा ट्रैवल करके वसंत गुंज से ओखला जाता हूँ सर्विस करवाने। और दिल्ली में जो गर्मी हो रही है भाई क्या बताऊँ यार, क्या बात। वेल जो लोग नए जुड़े हैं, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, जो सुपर मीटियोर ओनर है, दोस्तों बात ऐसी है जैसा कि मैंने समझा दिया कि भाई पीछे स्विमिंग आर्म्स में जहाँ पे चेन की एडजस्टमेंट होती है, चेन को टाइट करते हैं, तो वहाँ पे जो बोल्ट होता है उसके पीछे जगह होती है, वहाँ पर सुपर मीडियम में जगह नहीं है चेन को पीछे करने की। मतलब थोड़ी सी जगह है, एक दो बार पीछे हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, उसके बाद नहीं होती, उसके बाद आपको चेन सॉकेट बदलना पड़ेगा, राइट। अब उसी चीज़ के लिए मैंने सर्विस सेंटर में रिपोर्ट करा था, अब उसी के लिए आरी से अब जो भी अपडेट आएगा या फिर जो भी रिजॉल्व होता है मैं आपको बताता हूँ। यार नई नई बाइक के साथ कोई इशू आ जाए ना तो बहुत बुरा लगता है, ऊपर से जब आप इतने सारे पैसे देते हो ना इस बाइक के लिए तो और बुरा लगता है। जब मैंने सुना था ना ये इशू भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं यार क्या है ये। वो तो फिर भाई दिमाग शांत हुआ जब मैंने देखा सारी नई बाइकों में भी है, खड़ी खड़ी बाइकों में, वीडियोस में देखा सारी, यूट्यूब पे सब में ऐसा ही था, सारी फ़ोटोज़ देखी तो सब में ऐसा ही था। उसके बाद थोड़ा शांत हुआ कि यार चलो हमारी बाइक अनोखी नहीं है, नॉर्मल ही है, सब में ही होता है, ये सब में ही है, मतलब एक्चुअली सब में होता नहीं है भाई, है। लेकिन दोस्तों जैसे कि सब भाई कहते हैं कि यार चेन थोड़ी छोटी करा लो तो एडजस्टमेंट हो जाती है, तो यस ऑफ कोर्स वो हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता यार। मतलब आप नई बाइक में इतनी जल्दी 5000 किलोमीटर चलिए, देखो देख सकते हो लद्दाख करके आया हूँ भी मैं इस पर, तो इतनी जल्दी थोड़ी ना होता है ये सब, बहुत टाइम बाद होता है यार। तो दोस्तों उसी के साथ साथ मेरे कुछ भाइयों का सवाल है, एक्चुअली बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने मिट्योर 350 से मिट्योर 650 पर स्विच करा, इज़ इट वर्थ, और क्या आप खुश हो, क्या आप अनहैप्पी हो, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताओ, राइट। तो भाई ये क्वेश्चन मैं आंसर कर देता हूँ एंड बता देता हूँ भाई, मिट्योर 350 थी मेरे पास इससे पहले, 2.5 साल मैंने वो बाइक चलाई है, 25-30 हज़ार किलोमीटर, काफ़ी सारा ट्रैवल करा है उसके ऊपर, आपको चैनल पर व्लॉग मिल जाएंगे, तो काफ़ी सारा ट्रैवल उसके साथ करा है, बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारी बार शोरूम विज़िट करा है, सर्विस सेंटर विज़िट करा है, तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस था। इसके साथ दोस्तों मैंने 5634 किलोमीटर चला दिए हैं अभी तक फ़िलहाल, एंड इसके साथ मैंने लद्दाख कर दिया है 10 दिन की राइड, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है दोनों का मेरे को। तो दोस्तों मैं एक ओनरशिप एक्सपीरियंस बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में आपको चीज़ें बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में, राइड की एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या इसके प्रॉज है, क्या इसके कॉन्स है, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग लद्दाख हैवी ट्रैफिक हाईवे सब कुछ तो आपको बताऊँगा, राइट। लेकिन इन शॉर्ट मैं बता दूँ, यस दोस्तों आई एम वेरी हैप्पी एंड अपग्रेड करके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो बाइक है ना बिल्कुल ही अलग सेगमेंट की बाइक है, बिल्कुल अलग सेगमेंट की बाइक है। जैसे कि अगर हम मिट्योर 350 के बारे में बात करें, भाई एक आउटस्टैंडिंग मशीन है, मिट्योर 350 इज़ वे मोर प्रैक्टिकल दैन दिस बाइक, राइट। एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ भाई, दोनों बाइकें ओन कर चुका हूँ मैं, तो मिट्योर 350 जो है इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ,
देखो दोस्तों, अगर आप कोई बाइक लेना चाहते हो जो मल्टीपर्पस हो आपके लिए, राइट, जो आपके ऑफिस जाने में भी काम आए, आपको ट्रैवल करना है, आपको क्रूज करना है, आपको घूमना है, फिरना है, टशन मारना है, मीटियोर 350 भाई बहुत बढ़िया बाइक है। इसके साथ पता है दोस्तों क्या है, मैं बताता हूँ, जब मैंने इस बाइक को लिया ना, जब तक मैंने इसको हाईवे पे नहीं चलाया था, आई वॉज रिग्रेटिंग कि भाई मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी ये बाइक लेकर, क्योंकि मैंने अप्रैल में बाइक ली थी, समर थी, समर्स होते हैं, मैं रोड पे बाइक चला रहा था, भाई इतनी हीट फेंकता है इसका इंजन, इतनी हीट फेंकता है बहुत, राइट। प्लस ये बाइक इतनी हैवी है दोस्तों, ब्रेकर वगैरह जब आते हैं ना तो आपको वेट फील होता है, सस्पेंशन इतने स्टिफ है, तो आई लिटरली भाई, मतलब मैं लिटरली सोच रहा था भाई क्या ले लिया, मैंने गलती तो नहीं कर दी है इस बाइक को लेकर। तो मेरे को इनिशियली ऐसा लगा था जब तक मैंने इस बाइक को हाईवे पर नहीं चलाया था। उसके बाद हमने एक ट्रिप करा था वृंदावन का, फिर मैंने इस बाइक को चलाया दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे पे, एंड भाई तब समझ में आया ये बाइक एक्चुअली है क्या। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये बाइक अगर आप ऑफिस जाने के लिए लेते हो या फिर डेली कम्यूट के लिए लेते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप मीटियोर 350 लो, अगर आपने कम सीसी की बाइक चलाई अभी तक तो, राइट, 200-250, लेकिन आप ऑलरेडी चलाते हो तो आप ये ले सकते हो। देखो दोस्तों, आदत आपकी हर बाइक के साथ बन जाएगी, चाहे आप ये लो, चाहे आप हायाबुसा लो, चाहे कुछ भी लो, एक टाइम तक ही आपको बाइक अनकंफर्टेबल लगेगी, उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगी वो बाइक चलाने की, संभालने की उसको, तो ये फैक्ट है। लेकिन इसके साथ पता है क्या है दोस्तों, इसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है दोस्तों, इसकी माइलेज कम है, सो भाई वो बाइक ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आपको ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ेगी, राइट। भाई इसके ब्रेक पैड 2500 रुपये के आते हैं, 2700-2800, मतलब मान लो यार 3000 के आते हैं, ठीक है, उसके 250 रुपये के आते हैं। इसकी माइलेज बहुत कम है, उसकी माइलेज थोड़ी अच्छी है। इसका सर्विस कॉस्ट भाई 2500 का तो सिर्फ ऑयल डलता है जब इसकी सर्विस होती है, 2500 में उसकी पूरी सर्विस हो जाती है। अफकोर्स दोस्तों ये थोड़ी एक्सपेंसिव बाइक है, बड़ा सीसी है तो ज़्यादा पैसे मांगती है, तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप डेली चलाना चाहते हो, डेली पर्पज़ के लिए, ऑफिस विजिट के लिए, थोड़ा बहुत घूमने के लिए अगर चाहते हो आप बाइक, तो भाई मीटियोर 350 इज़ बेस्ट। इसको आप देखो दोस्तों, अगर इसको आप रोज़ चलाओगे, ज़्यादा चलाओगे, तो ऑफकोर्स की बात है आपको जल्दी सर्विस करानी पड़ेगी, जल्दी पार्ट्स चेंज होंगे, एंड इसके पार्ट्स काफ़ी महंगे हैं। इसका ये जो लीवर है, एडजस्टेबल लीवर, 7000 रुपये का एक लीवर है, इनके तो अगर इसको ख़राब वराब कुछ हो जाता है तो। ऐसा नहीं है भाई ये बाइक सिर्फ एक्सपेंसिव है, इस बाइक का अलग टोरा है भाई, आप इसको कहीं भी लेके जाओ भाई, लोग पूछते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं, आपको फील होता है भाई थोड़ा स्पेशल रोड पे कि भाई लोग बाइक देख रहे हैं आपकी। दूसरी चीज़ दो तो इसका एग्जॉस्ट नोट और इसकी जो परफॉर्मेंस है हाईवेज पे, भाई अमेजिंग यार, अमेजिंग। ऑफकोर्स यार इट हैज गॉट मोर पावर भाई। तो भाई ये आ गए हम सर्विस सेंटर। ओह ये और भैया ठीक ठीक है ठीक है। तो दोस्तों अब जो भी होता है बताता हूँ आपको। तो दोस्तों अपनी बाइक फाइनली सर्विस सेंटर में आ गई है बाइक, और ये अभी चेकअप के लिए जा रही है। वहाँ जो भैया है पिंक टी शर्ट में, वो स्पेशल आरी से आए हैं इस बाइक को चेक करने के लिए, तो जो भी अपडेट होता है मैं बता दूँ आपको। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि बाइक हो गई है सबमिट सर्विस सेंटर में, राइट, और आपने देखा होगा आरी की टीम से कुछ लोग आ रहे थे, तो अपने पिंक टी शर्ट में भैया देखे थे, वो उनका नाम विशाल था और वो आरी की टीम से ही थे। तो बात ये है, जो मेरे पास अपडेट अभी आया है, मैंने उनसे पूछा भाई क्या दिक्कत है ये इस बाइक के साथ, तो उन्होंने बोला दिक्कत कोई नहीं है, एक्चुअली जो उसका एडजस्टर होता है बाइक का, राइट, जो चेन एडजस्ट करता है, वो साइज़ का छोटा है, मतलब सारी बाइकों में, तो अभी उस पर काम चल रहा है प्लांट में, एंड दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर अपडेट। मेरी बाइक को अभी आरी की जो प्लांट टीम होती है उससे चेक करवाएंगे, फिर जो भी अपडेट होता है वो मुझे बताएंगे, राइट, एंड जो भी अपडेट होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर, बाइक मैंने छोड़ दी है, जो भी अपडेट होता है दोस्तों बताता हूँ मैं आपको, राइट। एनी आरी की सारी सुपर मीटियोर में है, इसके ऊपर अंदर से काम चल रहा है प्लांट में, तो लेट्स सी क्या अपडेट होता है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।